नमस्ते सोल फैमिली, वेलकम टू डे 27 ऑफ ग्रेगरी ग्रैबोवॉय कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस। चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए बहुत ही प्यारे अभ्यास जो इजुमी जी द्वारा हमसे शेयर किए गए हैं। आइए देखते हैं लेखक 27वें दिन किन अभ्यास पे मनन करने की बात कर रहे हैं। हर दिन पहला अभ्यास मन की आंखों से देखने का अभ्यास है, यानी विजुअलाइजेशन। और आज क्योंकि 27वां दिन है तो 2 + 7 का टोटल जुड़ाव होता है नंबर 9। तो लेखक कहते हैं डे 9 पे हमने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल की थी उसी को हम फिर से एक बार इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पे लेखक बहुत प्यार से एक तो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, उसकी एनर्जी के साथ। दूसरा, ये जिम्मेदारी देते हैं क्रिएटर को कि क्रिएटर वो चेष्टा करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो डे 9 का अभ्यास जाके फिर से एक बार देखेगा विजुअलाइजेशन के लिए। तो क्रिएटर्स यूट्यूब पे कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट है, उसमें डे 9 के वीडियो में आपको ये चेतना का अभ्यास का मनन करना है, जहाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लेके क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट टूल का हमें फोकस इस्तेमाल करना है। मीन्स सबसे दूर के ऑब्जेक्ट से लेके सबसे नजदीक के ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। तो क्रिएटर्स, ये आज आप खुद करेंगे आपकी ये जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि आप खुद निर्माता हैं। आइए हम सीधा चलते हैं आज दूसरे अभ्यास पे, जो है कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा अपनी एनर्जी फील्ड में धारण करने के लिए, चक्रास को बैलेंस करने, नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, अपने सेल्युलर डिवाइन हीलिंग को एक्टिवेट करने के लिए, फॉर सेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हर नंबर सीक्वेंस में एक कॉस्मिक एनर्जी की इंक्रिप्टेड फॉर्म मौजूद है। आप स्पाइन सीधी रखें, क्राउन चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट आते हुए महसूस करें एंड एंटरिंग द कोर ऑफ मदर अर्थ। 7 अंकों का नंबर 1854342, 7 अंकों का नंबर 1854342। गहरी श्वास लेते हुए कृतज्ञता के भाव से 9 अंकों के नंबर की कॉस्मिक ऊर्जा 1854312 01, 1854312 01। अगर आप नंबर्स विजुलाइज करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप नंबर्स को पेपर पे लिख सकते हैं, या फिर आप एक गोल आकार स्फीयर में नंबर्स को विजुलाइज करते हुए उस स्फीयर के अंदर अपनी इंटेंशन या लक्ष्य को देखते हुए उसको इन नंबर्स की पूर्ति की एनर्जी आप भेज सकते हैं। कृतज्ञता के साथ जैसे आप कंप्लीट फील करें। तीसरे अभ्यास पे, जिसका बहुत ही इंतजार रहता है मुझे खुद भी पर्सनली, और आज बहुत प्यारे चेतना के नए बीज लेखक लेकर आए हैं हमारे लिए, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हेल्थ एंड काइंडनेस। अब लेखक कहते हैं, पहले तो आप देखें कि हेल्प जो शब्द है उस पर विचार करें,
प्यारे क्रिएटर्स, गॉड का फुल फॉर्म है ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन, ये हमने बहुत बार बात की है। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन, तो क्रिएटर्स हेल्प का मतलब है हेलो इटर्नल लविंग प्रेजेंस। तो आप उसको जस्ट जो एक प्रेजेंस है जो इतनी अनंत है, इतनी प्रेमदायी है, तो आप उससे सिर्फ सहायता मांग भी रहे हैं और साथ ही साथ आप निर्माता होते हुए दूसरों की सहायता कर भी रहे हैं। तो देखिए क्रिएटर्स, ये कितना अच्छा सफर और कितना अच्छा बीज लेखक ने शुरू किया आज। वो कहते हैं ना ही हमें हेल्प मांगने में संकोच करना चाहिए और ना ही मदद देने में संकोच करना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट एक प्यारी सी कम्युनिकेशन है इटर्नल लविंग प्रेजेंस के साथ। हेलो इटर्नल लविंग प्रेजेंस इज हेल्प। लेखक कहते हैं कोई जरूरतमंद है या नहीं है, आपका रुझाव जो है एक काइंडनेस या आपके मन में एक दया का रूप जो है हमेशा स्थापित रहना चाहिए, क्योंकि आप रचयिता हैं, आप निर्माता हैं, तो आप अपने कार्यों के लिए मदद मांग भी सकते हैं और मदद देना या प्रदान भी कर सकते हैं। लेखक कहते हैं आप जितनी मदद करते हैं किसी इंसान की, आपके पास उतने ही अनंत मदद करने वाले तैयार हो जाते हैं। अनंत, याद रखिए, हम हमेशा बोलते हैं ना द यूनिवर्स हैज माय बैक, मतलब मेरे पास एंडलेस सपोर्ट है यूनिवर्स का और यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। तो अगर मैं भी यूनिवर्स के ही थ्रू, यूनिवर्स के ही जैसी एक निर्माता हूँ, तो मुझे भी उसी तरह से समाज में सहायता के माध्यम से समृद्धि लानी होगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों ओर हर चीज दया और काइंडनेस से भरी हो। तो लेखक कहते हैं कि आपको अगर अनंत बनना है तो उसके लिए सहायता करना और लोगों के प्रति मन में दया भाव रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हर एक क्रिएटर या हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक स्पीशीज है, जब भी आप एक क्रिएटर की चेतना से किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप उसके अंतर कण तक छू जाते हैं। आप उसके विचार, उसका मन, उसका हृदय, आप कितनी गहराई तक एक छाप छोड़ जाते हैं क्रिएटर्स। आपके मन में, आपके जीवन में भी ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपकी मदद की होगी, और मुझे अवश्य पता है आप अभी तक उनको कभी भूल नहीं पाए होंगे। आप मन ही मन उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो क्रिएटर्स, आज लेखक कहते हैं कि जो निर्माता बनना चाहते हैं उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो काइंडनेस को एम्ब्रेस करें और एक ऐसे जीवन का निर्माण करें जहां पे एकता, हार्मनी, अनंतता और हर जो निर्माता का आज एक्शन हो वो इतना एवर लास्टिंग इम्पैक्ट डाल दे
कि अगर बचपन में भी हमें अगर किसी हमारे शिक्षक ने या किसी रोल मॉडल ने या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति ने हमारी मदद की थी, आज तक हमें वो इंसान याद है। तो लेखक कहते हैं, क्रिएटर्स, आज आप काइंडनेस और हेल्प को अपने जीवन का एक पार्ट बना लें और उससे देखें रिश्तों में गहरी मिठास उत्पन्न होती हुई। उससे देखें हमारे रिश्तों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हुई, और उससे हेल्प और काइंडनेस से देखें कि कैसे हमारे रिश्ते जो हैं वो संकुचित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रेम पूर्वक जो कमल का फूल है वो खिल जाएगा हमारे रिश्तों के बीच में। तो क्रिएटर्स, आज के जो 3 अभ्यास हैं उसकी संक्षिप्त समरी। पहला अभ्यास, Day 9 का ही हमें टूल इस्तेमाल करना है आज। लेखक ने बहुत प्यार से नंबर्स के साथ आपको कनेक्ट किया और चेतना के नए बीज में आज के जो क्रिएटर्स हैं उनके अंदर हेल्प और काइंडनेस के जो बीज हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। थैंक यू।